멋쌤! 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 쏘라! 젤미를 쌌! 둘이 아갈 거야! 젤미를 쌌! 아래 잘래? 미리 니나 하람 그렇게 두 젠스 쏘라! 젤미를 쌌! 아시 패스라 호기 링가! 젤미를 쌌! 아래 둘이 아야 갈 거 봐이! 비나 데클링기! 야 메리 진덕이 चकले लग गई और तू बड़ा आया कहकू तू अब मेरे साथ चल और चल के तरनम को सच्चाई बता दे मैं उसके पास नहीं जा सकता तू बहुत गुस्से में है मैं तेरे को ठंडा पानी लाके पिलाता हूं तू पहले रिलैक्स हो जा फिर मैं तेरे को सब समझाता हूं ठीक है अब यहां जहर पीने की नौबत आ गई और तू पानी पिलाने की बात कर रहा अरे तेरे को जरा भी एहसास है मियां तेरी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की खातिर मेरे बसने से पहले जिंदगी उजड़ गई ना तू बहुत बड़ा फंटर है ना अब चल जैसा बिगाड़ा था वैसे सुधार चल तरनुम के पास अरे मियां कोई भी भाई आधी रात को बहन के घर को नहीं जाता बहन उन्हें कब से तेरी बहन हो गई रे अच्छी दोस्ती निभा रहा मियां तू वाह तेरे बुरे वक्त पे मैं काम आया अब जब मेरा बुरा वक्त पड़ा तो तू बहाने बना रहा बहाने नहीं बना रो रे मैं तू समझ मेरी मजबूरी को अरे मजबूर और लाचार तो मैं हो गया रे अच्छा खासा दुबई से यहाँ शादी की बात करने के लिए आया था तू कौन सा नींबू काटा की मियां जैसे तेरे ऑफिस में घुसा पूरी 7:30 आके मेरे सर पे पड़ गई ना तू थोड़ा रिलैक्स कर कुछ तो भी रास्ता निकाल तो मैं हूँ ना तू जब भी रिलैक्स होता एक नई कहानी बनाया था इससे पहले कि कोई और नई कहानी बने तू पहले इस कहानी को खत्म कर अब कोई रास्ता नहीं बचा मियां सिवाय कब्रिस्तान जाने के इतना बुरा नको बोल रहे तू मेरा भाई है ना नको ये फुकट के रिश्तेदारियां तू भाई भाई बोल के वैसे ही मेरी जिंदगी सतरोल कर दिया चल महक जब देखो जब सोते रहती चल तुम लोग कहां जा रहे गिर जाती हूं सोने मैं पहले बोली थी ना ये इंसान अगर ये घर में कदम रखेगा तो मैं नहीं रहूंगी बोल के इतनी रात में कहां जाते छोड़ो अरे क्या छोड़ो सॉरी ने हटो हां सोने दो तू चल महक इधर दीवाने ऑटो अभी नहीं मिलते अरे नको मिलने दो जी किसको आना ऑटो बाहर फुटपाथ पे सो जाती हूं मैं मगर एक मिनट भी ये घर में नहीं रहूंगी मैं अब तुम ही रहो अपने दोस्त के साथ में रंगरलिया मनाते हुए उठ रे मैं उठ ठहरो भाभी भाभी ने बोला मेरे को तुम्हारे जैसा इंसान आज तक नहीं देखी मैं जिंदगी में अरे पचकड़ मारने के बाद भी वापस आ गए तुम मेरे को आपके पचकड़ से कोई एतराज नहीं है भाभी मैं सिर्फ ये बताने आया कि मैं मिथुन नहीं शहबाज हूँ हाँ ये बात सच है कि मैं दुबई से आया लेकिन मैं कोई शादीशुदा नहीं हूँ जिस लड़की को आप मॉल में देखे वो मेरी होने वाली बीवी है तरन्नुम तो फिर तुम अपने आप को मिथुन कहीं को बोले हाँ अब इसका जवाब हमारे प्यारे वसीम भाई देंगे हाँ? वसीम भाई अब तो सच बोलिए प्लीज हिना अब मैं जो भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा 12 मार्च की रात यानी महक की बर्थडे वाली रात मैं लिफ्ट में एक लड़की के साथ फंस गया था या अल्लाह उस रात की अय्याशी को छुपाने के लिए तुम ये सब ड्रामा कर रहे थे नहीं हाँ यही शक करते बोल के मैं तुम्हारे से लिफ्ट वाली बात छुपाया और मिथुन भट्टाचार्य के साथ था बोला आप कोरियर भेजे सो इसको मालूम होते ही आपका शक दूर करने के लिए ये भाई साहब मेरे को मिथुन बना के यहाँ लेके आए अरे वो लड़की से उस दिन मेरे को मिला देते तो ये सब होता ही नहीं था ये कंटेस्ट नहीं होते थे आखिर वो लिफ्ट में लड़की कौन थी वो मैं थी तरन्नुम अच्छा वो तुम थे इसके साथ अब समझ में आ रहा मियां तू उस दिन तरन्नुम के घर को चल के उसको देख के कैकू भाग गया था सो मेरे को नहीं मालूम था मियां उन्हें तेरी होने वाली बीवी है बोलके मगर मैं तेरे को पहले दिन से बोल रहा हूं ये लड़की नेक और शरीफ है बोलके उससे पहले क्या क्या बोल रहा था ये मखमली रजाई दूध मलाई डेट पे जाता हूँ क्या क्या करता हूँ नहीं ये लाश वाला नहीं बोला मैं ये लाश वाला नहीं बोला ओफो क्या क्या प्लानिंग कर रहे थे तुम आखिर अरे तू सो जा भाई फिल्म खत्म हुए बाद पी लेंगे सच्ची बोलो तुम क्या क्या प्लानिंग कर झूठ झूठ बोल रहा इन्हें उल्टा इन्हें मेरे कुछ कह रहा था डेट पे ले जाओ बोल के आपा बोलो मैं कभी आपसे मिला हाँ तो क्या रात भर दोनों लिफ्ट में बैठ के चील उड़ी भैंस उड़ी खेल रहे थे शट अप शहबाज तुम्हारी इस घटिया सोच का जवाब मैं तुमको देती हूँ उस रात लिफ्ट में हम दोनों रात से लेके सुबह तक अजनबियों के जैसे थे और तुम मोबाइल के बहाने से मेरे घर को कहीं आए थे हेलो मैडम मैं यहाँ मोबाइल के बहाने नहीं आई थी बल्कि मैं यहाँ अपना मोबाइल लेने आई थी जो उस दिन वसीम भाई के पास रह गया था सी शी इज कॉलिंग मी ब्रदर और ये बेचारी का मोबाइल तो महक को गिफ्ट बोल के दे देते मैं वो मोबाइल शहबाज को गिफ्ट देने वाली थी मगर अब
वो मोबाइल मैं गटर में फेंक दूंगी। तरनुम, डोंट डू दिस प्लीज। आप वो मोबाइल इसको दे दो। इसकी कोई बीवी दुबई में नहीं है, इन्हें मेरे जैसा शरीफ है भाई। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे को। गारंटी? वो भी तुम्हारी? वसीम, मेरी जिंदगी में आज भी तुम एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। अरे तुम्हारे एक छोटे झूठ की वजह से कितना कंफ्यूजन हो गया देखो। अभी तो सारा कंफ्यूजन दूर हो गया ना भाभी, और तुम्हारा भी। सॉरी डार्लिंग, कम माय बेबी। वसीम, यहाँ हूँ मैं।